यहाँ पर आप एक सरफेस ग्राइंडर देख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल सरफेस ग्राइंडर से बहुत अलग है। सबसे पहले इसका जो टेबल है, टेबल के ऊपर जो आपका चक लगा हुआ मैग्नेटिक चक, वो रोटेट हो रहा है, और आपका ये जो ग्राइंडिंग का हेड है, वो ग्राइंडिंग का हेड आगे पीछे हो सकता है, और ग्राइंडिंग का हेड को आगे पीछे होने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। तो ये आप पूरा मशीन देख सकते हैं। यहाँ पे आप सामने देखेंगे एक गार्ड लगा हुआ है, जिससे आपका जो कटिंग ऑयल वगैरह स्प्लैश होगा वो बाहर नहीं निकले। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक चक है, इस मैग्नेटिक चक पे आप देखेंगे इस तरह से वर्कपीस को क्लैंप किया हुआ है ना, जिससे एक साथ बहुत सारे वर्कपीस के ऊपर आप ग्राइंडिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए आपका ग्राइंडिंग का व्हील रोटेट भी हो रहा है, प्लस ये आगे पीछे भी हो रहा है। तो आगे पीछे होने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन के लिए आपका मोटर लगा हुआ है। तो मोटर से गियर बॉक्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रहा है ग्राइंडिंग व्हील में, और वहाँ से ये रोटेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कवर है, इसको बोलते हैं आपका गार्ड, जिससे आपका जो चिप्स वगैरह जनरेट हो रही हैं ना, स्पार्क जनरेट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आए। और ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लीवर है, इस लीवर से बेसिकली जो आपका मैग्नेटिक चक है जो टेबल पे माउंटेड है, वो मैग्नेटिक चक वर्टिकली अप एंड डाउन मूव हो सकता है। आप वर्टिकली ऊपर इसको इसलिए मूव कराएंगे, आप ग्राइंडिंग व्हील को फीड प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आपको 10 माइक्रोन कट करना है, 20 माइक्रोन कट करना है, तो उस हिसाब से आप वर्कपीस को ऊपर की तरफ मूव कराएंगे। तो ये आप फीड यहाँ से देते हैं वर्कपीस को, और ये आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल है, इसमें डिफरेंट बटन है, ग्राइंडिंग व्हील का बटन है आपका, ये देखिए पहला ग्राइंडिंग व्हील है, तो उसकी मोटर चालू करने के लिए पहला बटन है, और नीचे वाले बटन है उनको बंद करने के लिए। तो वहाँ से गियर बॉक्स के थ्रू इस तरह से आरपीएम ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पर आपका ये बहुत स्पीड से रोटेट हो रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे ये दूसरा बटन, तीसरा बटन है, और ये आपका चक है, चक के रोटेशन के लिए है, और ये आपका चक रोटेट हो रहा है, और चक को वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कराने के लिए बटन्स हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए बटन्स हैं इसमें, तो सब बटन्स के ऊपर जो नोब्स होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है कौन सा बटन किसका है। नीचे वाले बटन सारे स्टॉप करने के लिए हैं, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये हाई लो के लिए, और नीचे आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये बेसिकली रैपिड टेबल को जो आपका चक है उसको वर्टिकली अप एंड डाउन रैपिड मूव कराने के लिए है, ये रैपिड के लिए। यहाँ से भी आपका वर्टिकली अप एंड डाउन होता है, और एक इधर से ये बटन है आपका। इसके बाद और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इस तरह से रहता है, और जैसे ही आपका ग्राइंडिंग हो जाता है उसके बाद इसके ऊपर चिप्स वगैरह रहती हैं, बुरादा रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको कटिंग ऑयल में डाल दिया जाता है, फिर पोंछ के जो वर्क पीस होता है उसको रख दिया जाता है, रेडी हो जाता है वो। और फिर नया वर्क पीस को माउंट करने के लिए सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक चक है इसको इस तरह से क्लीनिंग करते हैं, इसकी कपड़े से सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद वर्क पीस को क्लैंप करते हैं, जिससे आपका वर्क पीस अच्छे से क्लैंप हो जाए, क्योंकि वर्क पीस अच्छे से क्लैंप नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये इंश्योर किया जाता है कि आपका वर्क पीस क्लीन हो, और आपका जो चक है मैग्नेटिक वो भी क्लीन हो स्टार्टिंग में। ये देखिए इस तरह से अरेंज कर दिए हैं, इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे आपका मैक्सिमम वर्क पीस उस पर मैग्नेटिक चक पर अकोमोडेट हो जाए। ये हो गया, और अभी मैग्नेट चालू नहीं है, इसके बाद मैग्नेट चालू करेंगे। इसका मैग्नेट ऑन ऑफ करने का सिस्टम रहता है, तो अभी अरेंज कर रहे हैं तो मैग्नेट अभी बंद कर रखा है, और अब मैग्नेट चालू कर दिया है, तो जो वर्क पीस है वो इससे चिपक गया होगा, और आपका ये जो मैग्नेटिक चक है वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए अलग से मोटर लगा रहता है, ये चक रोटेट होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से आप देखिए, अब आप जो टेबल है ये चक है उसको ऊपर मूव करा रहे हैं, जिससे आपका कटिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें चिप्स या जनरेट हो रहे हैं, बहुत माइक्रोन में कट करता है, क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग होता है एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है।
ये आप लीवर देख रहे हैं, इससे आप जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसको चालू बंद करने के लिए होता है। अभी ऑटोमेटिक मोड में पड़ा हुआ है और इसको इस तरफ कर देते हैं तो फिर ये बंद हो जाता है। ये बंद हो गया अभी। और आप देख सकते हैं टेबल का मूवमेंट, ये जो टेबल जिसके ऊपर आपका ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। और ये लिमिट स्विचेस लगा रखे हैं, लिमिट स्विच से हम सेट कर सकते हैं जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो कितना आगे पीछे जाएगा। और ये लिमिट स्विच कनेक्टेड है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से, ये तो इसमें पूरा अंदर मैकेनिज्म रहता है। और ये देखिए ये मोटर है, इस मोटर से बेसिकली हाइड्रोलिक पंप चला रहे हैं। ये अंदर पूरा पावर पैक है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, सिलेंडर वगैरह है। तो आप देखेंगे ये जो पूरा है जिसके ऊपर आपका ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड है वो वाला टेबल, आप देखिए इसमें मैं आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन रॉड है और ये पिस्टन रॉड आगे पीछे हो रही है, इसी से आपका जो टेबल है वो भी आगे पीछे हो रहा है और उसी टेबल के ऊपर आपका ग्राइंडिंग का जो व्हील है वो माउंटेड है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ग्राइंडिंग व्हील वाला मोटर है और ये आप देख सकते हैं कूलेंट का सिस्टम है, कटिंग ऑयल जो सप्लाई करते हैं, कूलेंट का पंप है, इस पंप से आप कूलेंट ऊपर भेजते हैं और जो ग्राइंडिंग व्हील है उस पर कंटिन्यूसली कूलेंट सप्लाई होता रहता है जिससे जो हीट जनरेट हो उसको लगातार रिमूव किया जा सके। फिर उसके बाद ये कूलेंट जो कटिंग ऑयल है वो नीचे आता है और यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद दो तीन फिल्टर लगे रहते हैं इसमें और फिल्टर होने के बाद सेम कटिंग ऑयल बार बार आपका यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे ये टैंक है, कलेक्शन हो रहा है और साथ साथ में ये फिल्टर भी हो रहा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और क्वेरी।